खुदा तो अपने बंदों पर इतना बोझ डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सके, पर ये कैसा बोझ है जो हम नहीं उठा पा रहे। मेरा दिल कहता है सुरैया कि मरियम को हमसे कोई नहीं छीन सकता। अच्छा रुके, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, ये सफर मुझे अकेले तय करने दे। तू मेरे साथ कहाँ से रही है? ए! आज तक किसी मर्द ने जूरे टैडी के गिरेबान पे हाथ नहीं डाला। इस हिजड़े ने डाल दिया, मारो इसे। छोड़ो गुरु को, छोड़ो। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है, पता नहीं गुरु किस दुनिया में रह रहा है। भाई हमें हर हालत में पुलिस की मदद लेनी चाहिए। मैंने भी यही कहा मास्टर साहब, लेकिन गुरु मान ही नहीं रहे। क्यों नहीं मान रहे? वो कह रहे हैं कि पुलिस के चक्कर में पड़कर मेरी बेटी बदनाम हो जाएगी। अरे भाई जब बच्ची का पता लग गया कि वो कहाँ है तो पुलिस को तो बताना पड़ेगा कि नहीं। मास्टर साहब वो बहुत बदनाम जगह है, अगर मरियम वहां से मिली तो अच्छा नहीं होगा। अरे यार वो क्या वहां अपनी मर्जी से गई है? हैं? इतनी छोटी बच्ची है, उसका क्या कसूर है इसमें? हाँ आप भी ठीक ही कह रहे हैं। बहरहाल जो गुरु चाहे भाई वही होगा, लेकिन मेरे ख्याल में कानून की मदद लेनी चाहिए। बस मास्टर साहब दुआ करें कि हमारी मरियम वापस आ जाए जल्दी। आमीन। पता चल गया है कि बच्ची कहाँ है तो इंशाल्लाह आ भी जाएगी। अल्लाह ने एक सबील बनाई है तो मंजिल तक भी पहुंचा ही दे इंशाल्लाह। तू मारने आया ना मुझे, मार मार, इतना मार कि मेरा दम निकल जाए, मार ना। नहीं मैं तुझे मारने नहीं आया, समझाने आया हूँ। तू क्या समझाएगा मुझे? देख मैं मूना का बहुत पुराना मुलाजिम हूँ, मूना को अच्छे से जानता हूँ। वो बोल जो कहने आया है। मूना बहुत ताल्लुकात वाली औरत है, अंदर करवा देगी तेरे को। अच्छा तो इस खौफ से मैं अपनी बेटी को यहाँ छोड़ दूँ? तेरे पास क्या सबूत है कि वो तेरी बच्ची है और तू उसका बाप है? कैसे साबित करेगा तू? नतमूना कौन होती है मुझसे सबूत मांगने वाली? इसलिए कि बच्ची है उसके पास। अपनी बच्ची तो मैं लेकर जाऊंगी। देख जिद ना कर, जेल में सड़वा देगी मैडम। मेरी बात मान और चुप करके चला जा यहाँ से। तू अपनी मैडम से कह कि उसके पास है मेरी बच्ची और उसको तो मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा। किसी से भी तू कभी खो जा के ख्वाबों की दुनिया अधूरी, तुझ बिन पड़ी है सभी। नहीं कोई दिवाचा कुल किताब है ये तेरी मेरी जिंदगी, अपने जर्फ से तू कर ले खुद से दिल लगी। नन्ना ना रे ला 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 रे ला 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 ना ना, मेरे प्यारे मन के सहारे, डरना किसी से भी तू कभी खो जाके ख्वाबों की दुनिया अधूरी, तुझ बिन पड़ी है सभी। दिले गुलशन की सारी बहार तू,
मेरे जीने का सब ही करार तू, तेरी हस्ती मेरा सुकून है, मेरी खुशियों का सब ही निखार तू। सुरैया, कशिश तू? हाँ मैं, बदबख्त बदनसीब कशिश। सुरैया मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो निगौड़ी बिजली की, उसके कहने पे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। गुनाह तो तूने बहुत बड़ा किया है कशिश, लेकिन मरियम कहाँ है ये भी तेरी वजह से पता चला। सुरैया तू गुरु से कह के मुझे माफी दिलवा देना, कसम से मैं मरियम की नौकर बन के रहूंगी, दिलवा देना प्लीज। देख कशिश, मेरे आगे रोने धोने का ना कोई फायदा नहीं, माफ तो तुझे गुरु ही करेंगे। लेकिन गुरु तो मुझे जान से मार देगा। तू गुरु के सामने आना भी नहीं जब तक मरियम घर ना आ जाए। अल्लाह करे कि मरियम छेती छेती अपने घर वापस आ जाए, आमीन। अच्छा सुन, अब ना जब तक मैं तुझे ना बोलू ना तू यहाँ ना आना, चल अभी जा। चल खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जा जा। मालूम नहीं यार, कुछ दिनों से यहाँ बैठता है, ना कहीं आता है ना जाता है, ना किसी से कोई बात करता है। अच्छा, कोई दीवाना लगता है मेरे को। लगता तो है बेचारा। चल छोड़ यार, चलो अपना काम।
रजाक 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 जी बेगम साहिबा वो गुरु सितार अभी तक बैठा या चला गया है इतनी बारिश हो रही है बेगम साहिबा चले गया होगा जरा देखो बाहर जी बेटा खिड़की में से देखो झांक वो बैठा हुआ है बेगम साहिबा और बारिश में भीग रहा है वो सामने दुकान के छज्जे के नीचे क्यों नहीं चला जाता छोड़े बेगम साहिबा मरने दें बहुत जिद्दी है मैंने समझाया है नहीं मानता जी गम साहब बाहर जाओ उसको बुलाकर लेकर आओ अंदर जी बेहतर मैडम ने बुलाया चलो आओ क्यों बुलाया तुम्हारी मैडम ने वो मुझे नहीं मालूम खुद अंदर चल के पूछ लो खड़े क्यों बैठो नहीं जी आपका सोफा खराब हो जाएगा होने दो कोई बात नहीं शुक्रिया सावली जी बेटा जाओ इनके लिए एक तौलिया ले आओ वरना इनको ठंड लग जाएगी नहीं जी इसकी कोई जरूरत नहीं है जरूरत है वरना आप बीमार पड़ जाओगे तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह कहो कि मैं मान लूं क्यों नहीं मानेंगी जी सच में बड़ी ताकत होती है मैं सच कह रही हूँ मरियम एक दिन की थी जब मुझे मिली थी तब से लेके अब तक मेरे साथ ही है मैंने उसे पाला है उसकी माँ भी मैं हूँ और बाप भी मैं हूँ लेकिन डैडी ने तो मुझे बताया इसके माँ बाप मर चुके हैं और ये एक लवारिस है अल्लाह लवारिस क्यों है जी मैं हूं ना ऐसे तो ना कहें देखो सितार यही नाम है ना तुम्हारा नाम तो मेरा चाहते जी मगर लोग मुझे सितार से पहचानते गुरु सितार तुम्हारे जैसे बहुत लोग देखे हैं मैंने माशरे में और तुम्हारे जैसे लोगों की बात पे एतबार करना एक हमाकत है और याद रखना
तुम्हारी ये सारी बातें झूठ निकलेगी और बाकी की सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। मुझे मंजूर है जी। अगर तो तुम अदाकार हो तो बहुत ही अच्छे अदाकार। सावली जी। जी बेगम साहिबा। मरियम कहाँ है? अपने कमरे में। जाग रही है वो? जी बादल और बारिश की आवाज से वो उठ चुकी है। जाओ उसको लेकर आओ, मुझे उससे बात करनी है। जी मैं अभी लाई। मैं टॉवल लूंगा। मरियम मेरी जान क्यों रो रही हो? आप हो मेरे पापा। हाँ चलो तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवाने लेके जा रही हूँ। नहीं आप नहीं मिलाऊंगी। उन बैड अंकल ने ना मेरे पापा को भगा दिया था, वो चले गए थे। बाहर बैठे हुए आओ तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवाती हूँ। नहीं कह रही। अरे आओ ना जल्दी आओ। बस बेटा अब बाबा आ गए ना, हम इकट्ठे चलेंगे। हाँ इतना आसान नहीं है इसे यहाँ से ले जाना। रजाक ठीक कह रहे गुरु, ये मामला इतना आसान नहीं है। सांवली मरियम को अंदर ले जाओ। नहीं मुझे नहीं रहना, मुझे अपने बाबा के पास जाना है। मरियम बेटा बाबा इधर ही है ना? हाँ लेकिन अभी आप आंटी के साथ अंदर जाओ। रजाक गुरु का बिस्तर लगा दो यहाँ, हम सुबह बात करेंगे। हाँ बेटा बाबा इधर ही हैं। हाँ जाओ आंटी के साथ जाओ। अच्छे से जानते हो डैडी मुझे झूठ से सख्त नफरत। ओ बेगम साहिबा मेरी क्या मजाल, मैं आपसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ? फिर से झूठ। मरियम लवारिस नहीं है ना, ये है ना इसका वारिस। तो फिर तुमने मुझे क्यों कहा कि मरियम लवारिस है? ओ, बेगम साहिबा ये भला उसका वारिस कैसे हो सकता है, इसका तो कोई अपना वारिस नहीं है जी।
मैंने तो नेकी की है, आपके पास ले आया हूँ, जिंदगी बन जाएगी उसकी। इन लोगों ने क्या करना था, या किसी सिग्नल पे भीख मंगवानी थी या फिर वो फंक्शनों पे ले जाना था? डैडी, मैंने तुझे पहले भी समझाया है कि मरियम के बारे में ऐसी बात नहीं करनी, मेरी बर्दाश्त से बाहर है। लो भाई, और क्या गलत कहा है मैंने? नहीं लेके गए थे मरियम को सिग्नल पे भीख मंगवाने, तेरे वो चेले कशिश और बिजली? हाँ बोल, ले गए थे ना? अबे बोल ना, बता बेगम साहिबा को। बेगम साहिबा, ये हरकत उन्हें बदबख्तों ने की है, उन्होंने ये हरकत, लेकिन मैंने उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी है। वो नहीं समझते मेरा मरियम से रिश्ता क्या है, कोई भी नहीं समझता। लो एक और झूठ। अब चलो मान लिया कि सजा दे दी थी, लेकिन फिर भी वो सुधरे तो नहीं ना, मुझे भेज दिया। बेगम साहबा, मैंने अगवा थोड़ी किया था मरियम, पूछे ना इससे। बेगम साहबा, आप इसका क्यों 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 सुन रही हैं इसको, क्यों वक्त जाया कर रही हैं अपना? ये लोग किसी काबिल नहीं है, दफा करें इनको। काबिल तो हम भी किसी चीज के नहीं। खैर, सौदा करते वक्त तुमने मुझे ये सब नहीं बताया था, तुमने मुझे कुछ और बताया था। तुमने झूठ बोला था मेरे साथ, और तुम अच्छे से जानते हो जिस सौदे में गलत बयानी और झूठ शामिल हो वो सौदा सौदा नहीं होता, वो धोखा होता है। और अगर मैं चाहूं तो अभी के अभी तुम्हें पुलिस बुला के अंदर करवा सकती हूं। और तुम ये भी अच्छे से जानते हो, इसके लिए मेरी सिर्फ एक कॉल ही काफी। अब शराफत से जाओ और मेरे पैसे वापस लेकर आओ। पैसे? वो तुझे आधे पैसे मैंने बिजली को दे दिए थे। बिजली को दे दी? ठीक है, वो मरियम की जान का सदका समझ के रख लो, लेकिन बाकी के आधे पैसे मैं नहीं छोड़ूंगी। रजाक, इसके साथ जाओ और बाकी के पैसे लेकर आओ, और अगर ना दे तो मुझे बताना आकर। तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा है तुमने? कुछ नहीं जी, मैंने क्या कहना है, पैसे भिजवा रहा हूं, भिजवा रहा हूं। अच्छी बात है, गुरु को धमकी मत लगाओ। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी झूठ की सजा दे सकती हूँ ना, तो गुरु के साथ भी निपट सकती हूँ। बात समझ आई? जो पैसे लेके आ, जो दे। जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं, जा रहा हूं। बेगम साहिबा, मैं सच्ची हूँ, मुझे कोई लालच नहीं, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ मरियम से। हमारा दुनिया में कोई है नहीं ना। मैं बहुत छोटी थी जब मेरा बाप एक दिन मुझे भरे बाजार में छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया, बहन भाई भी नहीं मिले। हम दुनिया के ठुकराए हुए लोग, हमें कोई कबूल नहीं करता। पता नहीं लोग क्यों भूल जाते हैं कि आखिर हम भी तो इंसान हैं, हमारे भी जज्बात, दिल है जी हमारे अंदर भी, मोहब्बत करने का हक हमें भी है। चाह जाने को भी दिल करता है, दुख भी होता है, खुशी भी होती है। पर कोई तो नहीं समझाए ना लोगों को के, इन दुनिया वालों को के, हम भी इंसान हैं, इंसान है यार। आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो
कोई बात नहीं, आप भी तो इस दुनिया की हैं आखिर। मैं जानता हूं आप बहुत ताकतवर हैं, आप मुझे अंदर करवा सकती हैं। कोई बात नहीं बेगम साहब, लेकिन मैं मरियम के बगैर अब नहीं रहूंगी। जो करना है कर, मैं सारी जिंदगी ना आपके दरवाजे के सामने बैठ के गुजार लूंगी। मरियम को आते जाते देख लूंगी, मगर मैं पीछे नहीं आ ना जी, मैं पीछे नहीं आ। रुको करो, तुम में और हमें कोई फर्क नहीं है। तुम लोग किसी और तरह धुतकारे जाते और हम लोग किसी और तरह, लोग हमारे जज्बात का मजाक उड़ाते खुश होते हैं। मैं 7 साल की थी, मैं अपने घर वालों से बिछड़ गई। तब से आज तक मैं बाजार में बिकती चली आई हूं। मैं अजीब इंसान हूं गुरु, मैं बहुत बड़े इंसान हूं। मरियम तुम्हारे लिए बनी है और तुम मरियम के लिए। मैं तुम्हारे पांव छूना चाहती हूं। नहीं नहीं, आप तो बहुत बड़ा इंसान है जी, बहुत बड़े इंसान। कोई एहसान नहीं है गुरु, बस तुम उसे कभी कभार मिलने आ जाना, मरियम को अपने साथ लेकर। मैं उसको देख के खुश हो जाया करूंगी। सुनिए, बहुत शुक्रिया। भाई गुरु, मैं मान गया तुम्हारी मोहब्बत को, तुम्हारे जज्बे को और तुम्हारे ईमान को। जिस तरह तुम मरियम को लेके आए हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इसकी मदद के बगैर ला सकोगे। बस क्या कहूं मास्टर साहब, अल्लाह का रहम है। बेशकम साहिबा बहुत सीखा तुमने, वो भी हमारी तरह है पता है। हाँ, दुनिया से रूठी, अल्लाह ने डाला उनके दिल बढ़ाया। कोई शायद कौन है? गुरु मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे गुरु। क्या माफ करूं कशिश, और क्या माफ करूं? जो दुख और नुकसान तुमने मुझे मरियम को पहुंचाया ना, तो आपके वास्ते माफ कर दो गुरु। मुझसे गलती हो गई है, मैं दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करूं। एक बारी माफ कर दे गुरु।
माफ कर दो बेटा, पढ़ाई इसी में होती है बेटा, माफी मांग रहा ना यार, माफ कर। सलमान जाओ, तुम दोनों मास्टर साहब के लिए कोई चाय शाय का बंदोबस्त करो। जाना मास्टर साहब, अब इस मोहल्ले में मेरा मरियम का रहना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। मैंने फैसला किया कि हम यहाँ नहीं रहे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र ना कर, ठीक है? तेरी रहमतें तेरी सादतें, जाऊं जहां पाऊं तेरी मैनायतें। लाज रखना मेरे खुदाया तूने बनाया गुरु, लाज रखना मेरे खुदाया तूने बनाया गुरु, तेरी रजा के बिना कुछ भी हो कैसे शुरू। इतना दूर लाने की क्या जरूरत थी, ये तो मुझे घर पे बता देती। बिलावजह परेशान हो रही थी तुम। अभी मैं डॉक्टर बनी नहीं हूँ, अभी इसमें टाइम है, और बिला वजह परेशान तो नहीं थी मैं। कुछ हुआ तो नहीं है ना? देख तो नहीं। सब ठीक है तो आप अभी तक खांस क्यों रहे हैं? ये तो मौसम की वजह से है। बाबा उसने इतनी सारी दवाइयाँ लिख कर दी हैं। मरियम मुझसे दवाइयाँ नहीं खाई जाती है, मैं मुझे उल्टी आती है। दवाइयाँ तो आपको खानी पड़े, अब ज्यादा होशियारी मत करें। चले चले। अच्छा सही है, ठीक है जी, खुश डॉक्टर मरियम साहिबा है। कहाँ जाना है अभी? इधर से। चलें बाबा मुंह खोले। मरियम ये तो बहुत कड़वी है, पानी तो देना। इस दवा के साथ पानी नहीं लेते। लो ये क्या बात हुई? ये किसने कहा है? मैंने, डॉक्टर मरियम ने। चलो अगर मेरी डॉक्टर मरियम कह रही है तो कुछ तो ठीक हो। बाबा आपने बचपन से लेकर अब तक मेरे लिए इतना कुछ किया है कि आपकी खिदमत करके मुझे सुकून मिलता है। हाय मेरी बच्ची, आज मेरी वजह से कॉलेज छूट गया ना, छुट्टी हो गई। आपकी वजह से नहीं, अगर मामा यहाँ होती तो वो आपकी खिदमत करती और मुझे कहती कि जाओ मरियम कॉलेज जाए, लेकिन मामा तो हम दोनों को ही छोड़कर इस दुनिया से चली गई। आप आराम करें, मैं आपके लिए यखनी लेकर आती हूँ। पानी नहीं पीना अभी। इसके दिल में माँ से मोहब्बत की कसक अभी तक मौजूद है, क्या मेरी ममता कम पड़ गई थी?